एवरीवन, मैं गीता वर्मा गीता के नू लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरह से आप अपने फेशियल हेयर बहुत ही आसान तरीके से घर में हटा सकते हैं। हर बार हम पार्लर नहीं जा सकते अपने बालों को हटवाने के लिए, और बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। जब हम पार्लर जाते हैं तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं। सेम वही चीज़ अगर हम घर पर आसानी से कर पाएँ तो कितनी अच्छी बात है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जिससे आप अपने फेशियल हेयर खुद अपने आप बिना किसी की हेल्प के हटा सकते हैं, और बिना किसी पेन के, कोई पेन नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा तरीका है। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी कई तरीके आपको आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज फेशियल हेयर को हटाने के लिए जो तरीका मैं इस्तेमाल करूँगी उसके लिए हमें चाहिए टैल्कम पाउडर, एक कैंची, और ये वीट की वैक्सिंग स्ट्रिप्स जो कि आपको किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान पे इजीली मिल जाएगी। और ये बॉडी वाली है जिसमें आप हाथ पैरों को वैक्स कर सकते हैं। मैं यही यूज़ करती हूँ फेशियल हेयर के लिए, पर जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है उनके लिए मैं अलग से लिंक दे दूँगी, तो वो वहाँ से फेशियल वाली भी ख़रीद सकते हैं जो स्पेशली फेस के लिए आती है। तो इसे हम खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इस तरह से इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जहाँ पर दिया हुआ है किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। वैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी कैसे यूज़ करना है। और इस तरह की वैक्सिंग स्ट्रिप्स मिली हैं, और इसकी जो कॉस्ट है 99 रुपीज़ है। इसमें 6 स्ट्रिप्स होती हैं। इस तरह की वैक्सिंग स्ट्रिप्स होती है, इसमें ऑलरेडी वैक्स लगी होती है। इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसे आप हाथ पैरों के लिए यूज़ कर सकते हैं, फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो इसे यूज़ ना करें, उनके लिए मैं अलग से बता दूंगी, लिंक दे दूंगी, तो वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं फेस वाली। तो इस तरह से दोनों हाथों के बीच में हमें इसे रब करना है ताकि इसकी जो वैक्स है वो अच्छे से गर्म हो जाए। इसके बाद इसमें 2 स्ट्रिप्स हैं, इस तरह से पकड़ के इन्हें अलग अलग करना है। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से अंदर वैक्स लगी हुई है। इस तरह से आपको करना है। आज मैं आपको फेस पे करके दिखा रही हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपर लिप्स करने वाले हैं, उसके लिए हमें पतली सी स्ट्रिप काटनी है। इस तरह से हम पूरी यूज़ नहीं करेंगे, हमें पतली ही लेनी है, नहीं तो हमारी बहुत वेस्ट हो जाएगी। इस तरह से पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे और इसे हम अलग अलग कर लेंगे। इसे कैसे फेस पे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल आ गए हैं अपर लिप्स पे, और सर्दियों का टाइम है, मन नहीं करता है पार्लर जाने का, या फिर अर्जेंट है कहीं शादी पार्टी में जाना है अचानक से और हम थ्रेडिंग नहीं करवा रखी है। तो इस तरीके को मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। सबसे पहले हम इस तरह से पाउडर लगा लेंगे, टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, आप कोई सा भी लगा सकते हैं ताकि जितना भी ऑयल वगैरह है वो सारा ये पाउडर अब्सॉर्ब कर ले। अब जो स्ट्रिप है उसे हम इस तरह से लगाएंगे जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और अगर लेफ़्ट में लगा रहे हैं तो राइट की तरफ खींचना है, राइट में लगा रहे हैं तो लेफ़्ट की तरफ खींचना है, यानी उल्टी तरफ आपको खींचना है, और एक झटके से खींचना है। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कब आपके बाल हट जाएंगे। तो एकदम जितनी झटके से खींचेंगे उतनी आसानी से आपके बाल निकलेंगे और आपको दर्द का पता नहीं चलेगा। अगर आप धीरे धीरे खींचेंगे तो फिर आपके वहाँ पर दाने भी हो सकते हैं। तो आपको एक झटके से ज़ोर से खींचना है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फेशियल हेयर आ गए हैं इस स्ट्रिप पे। इस स्ट्रिप को मैं एक बार और यूज़ करूँगी कि कहीं अगर बाल छोटे मोटे रह गए हैं तो वो भी निकल जाए। फिर से मैं इसे लगाऊँगी और फिर से झटके से इसे खींचूँगी। आप तरीका देखिए किस तरह से मैं खींच रही हूँ। तो इस तरह से आपको खींचना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी स्ट्रिप निकल गई और सारे बाल इसमें आ गए। ये देखिए कितने सारे बाल निकल चुके हैं। तो एक साइड का मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से मैं अप्लाई करूँगी। देखिए ये दूसरी वाली स्ट्रिप है, इस तरह से मैं इसे लगा लूँगी और इसे मैं दूसरी साइड खींचूँगी, और एक झटके से खींचना। जितने झटके से आप खींचेंगे उतनी आसानी से आपके बाल निकलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले एक दो बार में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं इसे एक बार और पूरे पे करके सारे बाल निकाल देती हूँ कि कहीं बाल रह ना गए हों। तो ये तरीका मुझे बहुत ही ईजी लगता है, मुझे कोई पेन नहीं होता है इसमें, और जो बाल है वो भी काफ़ी लंबे टाइम बाद आते हैं, एकदम से नहीं आते, तो टाइम लगता है उन्हें आने में, उनकी ग्रोथ भी कम होती है। अब इसके साथ ये फेशियल वाइप्स दिए हुए हैं जो फेस पे वैक्सिंग करने से जो इसकी वैक्स लग जाती है फेस पे, तो अगर नॉर्मली आप पानी से धोएंगे तो वो चिपचिप करती है। तो इसके साथ ये फेशियल वाइप्स मिले हैं जो कि सिर्फ 2 हैं,
और इन्हें मुझे सारी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उनके साथ यूज़ करना है, तो इतनी तो चलेंगी नहीं अगर मैं सारी यूज़ कर लूँगी, तो यहाँ पे मैं इसे कट करके यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी। तो इस तरह से पहले इसे क्लीन कर लें, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लें, तो इस तरह से वैक्स पूरी अच्छे से हट जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको थ्रेडिंग करके दिखा रही हूँ। थ्रेडिंग वही लोग करें जो पहले से वैक्सिंग करना जानते हैं, नए लोग करेंगे तो उनकी जो आईब्रोज़ हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं, और अगर आपकी आईब्रोज़ हल्की हैं तो पहले आप आईब्रो पेंसिल से उन्हें शेप दें, उसके बाद ही इस तरह से करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स मैंने काटी हैं, और बिल्कुल पतली स्ट्रिप्स का आपको इस्तेमाल करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसको आपको सेम वही तरीका बालों की ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बिल्कुल उस तरह से करिएगा। और बिगनर्स जो हैं वो बहुत ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर करेंगे तो थ्रेडिंग ख़राब भी हो सकती है, तो जिनको प्रैक्टिस है वो लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं हमेशा करती हूँ, और आपको उल्टी डायरेक्शन में खींचना है, जिस तरफ आपकी बालों की ग्रोथ हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको खींचना है। और बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स आपको लेनी है, इस बात का ध्यान रखें चौड़ी लेंगे तो बाल ज़्यादा निकल सकते हैं, इसलिए बिल्कुल पतली स्ट्रिप्स का आईब्रोज़ के लिए इस्तेमाल करें। तो देखिए किस तरह से मैंने ऊपर और नीचे के सारे बाल निकाल लिए हैं बहुत ही आसान तरीके से, और अगर एक एक बाल रह भी जाता है तो वो हम प्लकर से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी कर लूँगी, और जो मेरी आईब्रोज़ हैं यहाँ काफ़ी मोटी हैं तो इसलिए मुझे आईब्रो पेंसिल से इसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की पतली है तो वो प्लीज़ पहले आईब्रो पेंसिल से अपनी शेप बना लें, उसके बाद एक्स्ट्रा बाल निकालें इस तरह से। तो काफ़ी आसानी से ये देखिए बाल निकल जा रहे हैं, और डायरेक्शन का ध्यान रखें बिल्कुल कि जिस डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको खींचना है। और इस तरह से मैं बीच के बाल भी हटा लूँगी, तो देखिए काफ़ी इजी हो जाता है। ये देखिए बन गई मेरी आईब्रोज, इतना आसान था, फटाफट से मैं इस तरह से अपनी थ्रेडिंग कर लेती हूँ। ये देखिए एक आध बाल कहीं रह गए तो वो भी मैं कोशिश करी कि वो भी निकल जाए, फिर भी अगर रह जाते हैं एक आध बाल तो आप प्लकर की सहायता से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने बीच के भी निकाल लिए हैं। तो आप इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके आईब्रोज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, अगर चौड़ी लेंगे तो फिर आईब्रोज़ ख़राब होने का डर रहता है। तो ये देखिए कितनी पतली पतली स्ट्रिप्स मैंने काटी हैं, और यहाँ पर मैंने देखिए पूरी थ्रेडिंग अपनी कर ली। तो अगर कहीं एक आध बाल रह गए हैं तो वो मैं प्लकर की सहायता से निकाल लूँगी बहुत ही आसानी से। अब मैं ये जो वाइप्स हैं इससे क्लीन कर लूँगी अपनी आईब्रोज़ को, ताकि जो वैक्स लगी हुई है वो आसानी से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी थ्रेडिंग भी हो गई। इस तरह से मैं हमेशा जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता है पार्लर जाने का, मैं इस तरह से थ्रेडिंग कर लेती हूँ। अब मैं आपको अपने फोरहेड पे करके दिखा रही हूँ इसे, बहुत लोगों के कानों के पास या फिर चिन पे बाल होते हैं तो वो भी इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चौड़ी स्ट्रिप काट रही हूँ ताकि, क्योंकि माथा थोड़ा चौड़ा होता है, और यहाँ पे मैं जहाँ पे मेरे बाल हैं मैं उस साइड करूँगी। पहले पाउडर लगाया मैंने और उसके बाद इस तरह से स्ट्रिप लगाऊंगी, और हमेशा राइट में लगा रहे हैं तो लेफ़्ट की तरफ खींचना है, लेफ़्ट में लगा रहे हैं तो राइट की तरफ खींचना है, इस बात का ध्यान रखें। तो बहुत ही आसानी से देखिए कितने सारे बाल मेरे निकल गए हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो ये जो वैक्स है इसमें लगी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे से बालों में चिपक जाती है, और जब इसे हम निकालते हैं तो ये बालों को साथ में लेके निकलती है, और बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होता। तो मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, ये थ्रेडिंग से भी इजी लगता है, बल्कि थ्रेडिंग जब मैं करवाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, पर इस तरीके में मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। जितने झटके से आप इसे खींचेंगे आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, उतना ही आसान होता है। अगर आप धीरे से करेंगे, धीरे से खींचेंगे तो ज़्यादा पेन होगा, और अगर ज़ोर से झटके से खींचेंगे तो बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके बाल निकल गए। तो इस तरह से इस स्ट्रिप को मैं पूरे अपने माथे पे इस्तेमाल कर लूँगी, और जो मेरा फोरहेड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो इतना आसान तो थ्रेडिंग भी नहीं होता, जब मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ पार्लर में मेरे आंसू आ जाते हैं, पर इस मेथड को करने में मेरे बिल्कुल भी आंसू नहीं आते, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने इसे करके दिखाया। अब ये जो फेशियल वाइप्स हैं इससे मैं इसे क्लीन कर लूँगी और अपने फेस को वॉश कर लूँगी। कैसा लगा आज का ये तरीका? था ना आसान? बहुत ही आसान तरीके से आप इस मेथड से अपने बालों को हटा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, खासतौर पे मेरा मन तो रजाई में से निकलने का करता नहीं है कि मैं पार्लर जाऊं और अपनी थ्रेडिंग करवाऊं, अपर लिप्स करवाऊं, फोरहेड करवाऊं, तो मैं इस तरीके के छोटे छोटे तरीके यूज़ कर लेती हूँ। आज जो मैंने तरीका आपको दिखाया इस तरीके से बहुत बार कर लेती हूँ, बहुत बार और भी तरीके जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उन तरीकों से भी कर लेती हूँ। तो जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है मैं उस तरीके से अपने
फेशियल हेयर हटा लेती हूँ जब मेरा पार्लर जाने का मन नहीं होता है, या फिर मुझे अर्जेंट कहीं शादी पार्टी में जाना होता है और पार्लर जाने का टाइम नहीं होता है, तो मैं इस तरह से थ्रेडिंग कर लेती हूँ, अपर लिप्स कर लेती हूँ, फोरहेड कर लेती हूँ, तो मुझे ये तरीका बहुत ईजी लगता है। तो आप इस तरीके को यूज़ करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा। और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही नोटिफिकेशन बेल होगी। तीन ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाला ऑल का ऑप्शन आपको दबाना है, अगर नीचे वाला दबा देंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे ऊपर वाला ऑल का ऑप्शन दबाइएगा ताकि आप मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाए। तो अगर लगता है कि ये वीडियो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पर। तो फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।